हाय ऑल लेडीज़, आप सबको वट अमावस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ज्येष्ठ मास के व्रतों में वट अमावस का व्रत बहुत प्रभावी माना जाता है, जिसमें सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु एवं सभी प्रकार की सुख समृद्धियों की कामना करती हैं। इस दिन स्त्रियां व्रत रखकर वट वृक्ष के पास पहुंचकर धूप दीप नैवेद्य से पूजा करती हैं तथा रोली और अक्षत चढ़ाकर वट वृक्ष पर कलावा बांधती हैं। साथ ही हाथ जोड़कर वृक्ष की परिक्रमा लेती हैं, जिससे पति के जीवन में आने वाली अदृश्य बाधाएं दूर होती हैं तथा सुख समृद्धि के साथ लंबी उम्र प्राप्त होती है। कहा जाता है कि वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति सत्यवान का मृत शरीर को पुनः जीवित किया था, तभी से इस व्रत को वट सावित्री नाम से भी जाना जाता है। इसमें वट वृक्ष की श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा की जाती है और महिलाएं श्रद्धा के साथ ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस तक 3 दिनों तक भी बहुत जगह उपवास रखती हैं। त्रयोदशी के दिन वट वृक्ष के पास पहुंचकर अपने अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घ आयु तथा सुख समृद्धि का संकल्प लेना चाहिए। और यदि 3 दिन उपवास करने की शक्ति ना हो तो अमावस को ही उपवास कर प्रतिपदा को पारण करना चाहिए। वट की परिक्रमा करते हुए वट वृक्ष पर कलावा बांधा जाता है। इस दिन चने पर रुपया रखकर बाइने के रूप में अपनी सास को देकर आशीर्वाद लिया जाता है। सौभाग्य पिटारी और पूजा सामग्री किसी योग्य साधक को दी जाती है, जिसमें सिंदूर, दर्पण, काजल, चूड़ी, मेहंदी, माथे की बिंदिया, सिंदूर, साड़ी और आभूषण इत्यादि वस्तुएं एक बांस की टोकरी में रखकर दी जाती है। यदि सौभाग्य पिटारी के नाम से जाना जाता है। कुछ महिलाएं केवल अमावस को एक दिन का ही व्रत रखती हैं और कुछ लोग बस पूजा करने तक ही व्रत रखती हैं। इस व्रत में सावित्री सत्यवान के पुण्य कथा का श्रवण भी किया जाता है और इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों का भी पूजन होता है। तो ऑल फ्रेंड्स, आप सबको हैप्पी वट अमावस। आप लोगों के लिए बहुत शुभकामनाएँ, इस दिन आपके लिए बहुत शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।
अच्छो पूरा पैसा डाल दो, मैं वो बाद में दे दूंगी, पहले कथा कर ली थी, पहले कथा कर ली थी, फिर बाद में लपेटी, बताओ कौन सी लड़की, फोन में लगा लीजिए, दो दिन मम्मा मम्मा।